नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ के कुंवर सिंह उद्यान के समीप स्थित जिला सहकारी बैंक के विलेरियागंज ब्रांच के डायरेक्टर के पदिक पद के लिए शुक्रवार को नामांकन कराया गया। यह प्रक्रिया शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। नामांकन को लेकर जिला सहकारी बैंक की मुख्य शाखा पर गहमा गहमी का माहौल रहा। जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से जिला गन्ना अधिकारी को इस चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी बनाया गया। जिला गन्ना अधिकारी ने बताया कि बैंक डायरेक्टर के पद के लिए चुनाव हो रहा है। नामांकन की प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। जरूरत पड़े तो 7 दिसंबर को मतदान कराया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दोपहर 1 बजे तक मात्र एक ही प्रत्याशी देवनाथ यादव की तरफ से नामांकन दाखिल किया गया और माना यह जा रहा है कि कोई भी नामांकन दाखिल नहीं करेगा। हालांकि 4 बजे के बाद यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि कितने लोगों इस पद के लिए नामांकन किया है। तो क्या उम्मीदें हैं, किस मंशा से आपने किया है, क्या रहेगा इसका उद्देश्य? चुनाव तो लड़ा जाता है, जीतने के लिए मंशा तो यही रहती है। हमने आवेदन कर दिया और कंटेस्टेड चुनाव नहीं है, जहाँ तक है कि निर्विरोध चुनाव होना है। सिंगल पत्र दाखिल किया गया है, दूसरा कोई पत्र नहीं है। अब यह है कि सकुशल पर्चा वैध हो जाए, कहीं कोई क्या कुछ डाउट लग रहा है आपने? नहीं, उस तरह से तो कुछ डाउट नहीं है। बहरहाल चुनाव अधिकारी ने पर्चा को जो है चेक कर लिया है, हर तरह से चेक करके। तो अभी तो 4 बजे तक का समय है। हाँ जी, 4 बजे तक नामिनेशन का समय है। तो क्या करना चाहेंगे डायरेक्टर पद मिलने के बाद, जैसे आपके मन में क्या है? अब डायरेक्टर का जो बैंक की देख रेख है, एक बोर्ड बनता है कि बैंक में कोई अनियमित काम ना हो, जनता को इसका अधिक से अधिक लाभ दिया जा सके, कोई योजना आए तो हम आम जनता तक उसको पहुंचाने का काम करें। ये जिला सहकारी बैंक के बलरियागंज ब्रांच में ये पद रिक्त होने के कारण जो है इसका जो है निर्वाचन प्रक्रिया की जा रही है। आज जो है एक नामिनेशन पत्र श्री देवदत्त के द्वारा जो है देवनाथ जी के द्वारा दिया गया है। अब उसकी जो है स्क्रूटनी वगैरह करने के बाद ही जो है फाइनल जो है जो भी आपत्तियाँ आएंगी उसको रिमूव करने के बाद चस्पा किया जाएगा। चुनाव तो 7 तारीख को है। अगर कोई आवश्यकता हुई कंटेस्टिंग कैंडिडेट और अगर कोई नामनिर्देशन पत्र जमा करता है तो मतदान भी कराया जाएगा। नामांकन का समय सिर्फ 8 बजे का है? हाँ, नामांकन आज 10 बजे से 4 बजे तक का है। हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।